की और जे काश के उस रोज में कुछ देर के लिए इब्न इंशा के पास रुकता लेकिन कैसर ने मुझे रुकने ना दिया वो मुझे घर ले गया कैसर मुझे यूँ मिला जैसे मैं कराची में शॉपिंग की ओर से आया था कहने लगा हाँ भाई क्या प्रोग्राम है चलो फला होटल में जाकर चाय पिए फलाम पर टहने हाँ यार बड़ी उम्दा फिल्म लगी हुई है सच्चे मानों में फॉर एडल्ट्स के संगी कहते हैं सनसर ने चौथाई फिल्म काटती है फिर भी कुछ मकाम रह गए हैं आज रात पिक्चर रहेगी मैंने कहा भाई अकल की बात कर हम यहाँ से हज को जाने के लिए आए हैं कैसे मुस्कुराने लगा उसकी मुस्कुराहट में शैतानियत की झलक होती है कैसे मेरा पुराना साथी है वो एक सिक्का बंद दानश्वर है वो मजहबी और रूहानी बातों को तोता मैना की कहानियों से ज़्यादा अहमियत नहीं देता उससे कोई रूहानी बात की जाए तो उसका रद्द अमल डिसीफ़ का मज़र होता है कैसर को कुदरत से शदीद चिड़ है वो कुदरत की काबियत को तस्लीम करता है उसकी दानश्वरी को मानता है इसके अलावा कुछ नहीं मानता वो कुदरत से मिलने से गुरेज़ करता है दो रोज़ कैसर के साथ रहने के बाद मैं ये बात कतई तौर पर भूल गया कि मैं हज पर जा रहा था फिर दफतान आखिरी दिन कुदरत ने मुझे फ़ोन किया कि आज शाम को फ़ला वक्त हाजी कैंप में पहुँच जाएँ ताकि हम वहाँ से हज के लिए मुतलक़ा ज़रूरिया खरीद लें उस रोत कुदरत की बात सुनकर मुझे पहली मरतबाइम हुआ कि हम अलग अलग तैयारों में जद्दा जा रहे थे इस पर मैं हैरान तो हुआ लेकिन ये पूछने का मौका ना था कि ऐसा क्यों है उसी रात कैसर मुझे ज़बरदस्ती वो फिल्म देखने ले गया जो हकीकता फॉर एडल्ट थी मैंने बहुत कोशिश की कि हम फिल्म देखने ना जाएं लेकिन कैसर का कहना था कि फिल्म देखना ज़रूरी है दूसरी सूरत में अगर हमें नींद आ गई और हम सो गए तो एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचेंगे? इस फिल्म की नोयत ही ऐसी थी कि उसे देखते हुए मैं कतन भूल गया कि उसी रात मुझे हज पर रवाना होना है फिल्म देख बाहर निकले और जब एम और जय ने मुझे याद दिलाया कि अभी मुझे तैयारी करना है तो एक साथ के लिए मैं हैरान रह गया